नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद पुलिस हमेशा अलर्ट मुद्रा में है और मुस्तैदी से जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था में लगी है। इसी क्रम में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट दिखी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जुमे की नमाज के दौरान पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। भ्रमण कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हमराही फोर्ट के साथ मुस्तैद दिखी। आजमगढ़ में विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी भारत रक्षा दल के मोहम्मद अफजल भाई को उनकी छोटी बहन निधि कौर ने भाई बहन का सीम सिनेमा टूटी स्थिति के पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर राखी रूपी प्रेम का धागा बांधकर उस परंपरा को इस वर्ष भी कायम रखा। निधि अपने अफजल भाई को पिछले 22 वर्ष से भाई बहन के अटूट प्रेम के धागे को उनकी कलाई में बांधती आ रही है। इस अवसर पर देश के प्रख्यात शायर मुनव्वराना साहब चंद की दो लाइनें आपको याद दिला दें, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के तकनीकी अधिकारी के रूप में जनपद एवं भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व बैडमिंटन संघ एवं कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के आमंत्रण पर 26 जुलाई से 9 अगस्त तक आजमगढ़ के अजिंद्र राय ने बैडमिंटन खेल में अपनी मुख्य भूमिका निभाई तथा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन किया, क्योंकि श्री राय वर्ल्ड बैडमिंटन अंपायर होने के साथ साथ क्वालिफाइड कोच भी हैं तथा उन्होंने एक प्रशिक्षक के रूप में भी 1995 से लेकर 2018 तक उत्तर प्रदेश बैडमिंटन टीम के भी प्रशिक्षक रहे और उन्होंने गोरखपुर लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज बलिया आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर काम करते हुए सैकड़ों खिलाड़ी देश को दिए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में श्री राय की एक अच्छी ख्वाती है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रबंध निदेशक नाथुराम यादव ने कहा कि मैं अजिंद्र राय को बचपन से जानता हूँ एवं हमारे पारिवारिक संबंध भी 50 साल से हैं। श्री राय एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने न सिर्फ जनपद प्रदेश देश बल्कि विश्व स्तर पर जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। हमें नाज है और हम चाहेंगे कि श्री राय से प्रेरणा लेकर जनपद के और भी नौजवान खेल के क्षेत्र में जनपद का नाम रोशन करें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋत्विक यादव ने कहा कि श्री राय एक रोल मॉडल हैं और हम युवा उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज का यह आयोजन सिर्फ युवाओं को एक संदेश देने के लिए किया गया, क्योंकि श्री राय ने अब तक विश्व के 20 देशों का दौरा किया है, तो निश्चित रूप से तमाम हर तरह के संस्कृति, सभ्यता, अनुशासन आदि का दर्शन हम उनकी आंखों से कर सकते हैं। आज के अवसर पर अभियंता वीरेंद्र यादव, राकेश राय, नरेंद्र यादव, दिव्यांश राय, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर शहाबुद्दीन जफर, तारिक, राकेश सिंह, अमरीश श्रीवास्तव, अवन राय, जनार्दन राय, प्रवीण राय, राधेश्याम, कमलेश सुनकर, माया कुमारी, मनीष अग्रवाल, पुनीत राय आदि लोग उपस्थित थे। क्या नाम है? ऋत्विक यादव। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने इनका श्री अजेंद्र राय जी हम सभी लोग के एक रोल मॉडल हैं और युवाओं के लिए एक संदेश मिल रहा है, हमें एक प्रेरणा स्रोत है कि हम सभी लोग को इनसे सीखना चाहिए कि अगर कोई भी हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है तो अपने सारी लक्ष्य को पा सकता है और खेल जगत में भी फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि खेल में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अंकल एक प्रेरणा स्रोत हैं सबके लिए, यही कहना चाहूँगा। मैं जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ की तरफ से अजिंद्र राय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम लोग खुद गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में निर्णायक की भूमिका निभाई, जो हमारे उत्तर प्रदेश से अकेले गए थे। हमको लगता है इंडिया से भी 15 लोग थे, चीफ रेफरी भी इंडिया से थे। हाँ, तो चीफ रेफरी भी इंडिया से थे और वहाँ पर जिस गेम में ये गए थे उस गेम में भी अच्छी खासी सफलता भारत को मिली है। एकदम नया लड़का लक्ष्य सेन, जो आपके मित्र का लड़का है, उसने भी स्वर्ण पदक जीता, पीवी सिंधु ने जीता ही, और लोग भी जीते, तो उस खेल में भी भारत को काफ़ी सफलता मिली है। अजेंद्र राय जी से हम एक सबक ले सकते हैं या यहाँ के लोगों को उनको एक रोल मॉडल समझना चाहिए, जिनको देख करके यहाँ के लड़के कुछ सीखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। जैसे इन्होंने अपने को पूरे वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वहाँ तक पहुँच करके उन्होंने जो उपलब्धि पाई है, उस तरह के लड़के कोशिश करें कि वो भी जा कर के कॉमनवेल्थ गेम्स या जो भी हो, एशियन गेम्स हो, जहाँ भी हो, यहाँ के भी लड़के वहाँ पहुँचे। इनसे प्रेरणा लेकर के उन लड़कों को प्रेरणा लेनी चाहिए उन लड़कों को। जिला बैडमिंटन संघ बहुत बहुत हम अपने मार्गदर्शक को इस आजमगढ़ जिला बैडमिंटन संघ के आप मार्गदर्शक हैं और इसका पूरा संचालन भी करते हैं
और केवल संघ का ही नहीं, नए लड़कों को भी काफ़ी आपने उभारने की कोशिश किया है, करते हैं, करते रहेंगे भी। बैडमिंटन इनका बिल्कुल वही है, उनका हर कर्म बैडमिंटन के लिए है, जो भी है जहाँ भी ये बैडमिंटन के लिए ही जी रहे हैं, इनकी एक एक सांस बैडमिंटन के लिए है। आपके साथ रहने वाले इतने ऊपर तक पहुँचे हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है? क्या बहुत गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमारा बैडमिंटन संघ अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिला ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आप वहाँ पहुँचे हैं। सर अपना आवाज़ बढ़ाए हैं बाहर से, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का? मैं अभी 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में कॉमन गेम्स का आयोजन हुआ था और उसमें बतौर मैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और कॉमन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया था एक तकनीकी अधिकारी के रूप में उस आयोजन को संपन्न कराने के लिए। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं उत्तर प्रदेश का पहला और इकलौता अभी तक BWF अंपायर हूँ और इतने बड़े इवेंट में मुझे जाने का मौका मिला और आजमगढ़ की धरती से गया तो ये और एक बड़ी बात है, क्योंकि आप सब जानते हो समाज की स्थितियाँ। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर पाया और इसमें हमारे विभाग जहाँ मैं कार्यरत हूँ बेसिक शिक्षा परिषद का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो हमें आजमगढ़ नगर कोतवाली परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सीट शैलेंद्र लाल ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम सभी लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और जो पुलिस की उपलब्धियां रही है उसे PA सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को बता रहे हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, त्यौहार होता है, पब्लिक की सहभागिता रहती है, हमारा दायित्व है कि हम उनको बताएं कि इस अवधि में हमने उनकी मदद से क्या क्या किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को बताया गया कि हमने विगत वर्षों में क्या क्या हासिल किया, इसके संबंध में पब्लिक और पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर COCT महेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली DK श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सर आज कोतवाली में किस प्रकार का हम सभी लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोग अपना गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और जो जो उपलब्धियां रही हैं पुलिस की, इसको PA सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को बता रहे हैं। जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होता है, कोई आयोजन होता है, कोई त्यौहार होता है, तो पब्लिक की इसमें सहभागिता रहती है, नीति निर्धारण में, उसके कारण इम्प्लीमेंटेशन में, और साथ में हमारा ये दायित्व है कि हम पब्लिक को बताएँ कि इस अवधि में उनके सहयोग से हमने क्या क्या चीज़ अचीव किया। तो इसी क्रम में हमारे परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को बताया गया कि विगत वर्ष में हम लोगों ने क्या क्या हासिल किया। इसी के संबंध में पुलिस सभी पब्लिक को और पुलिस कर्मचारियों को संबोधित किया गया, जो कि सभी लोग एकजुट होकर अपने दायित्व और अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहें और हमेशा उनको अच्छे जो हमारे टारगेट्स हैं उनको इसी तरह हासिल करते रहें। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राधेश्याम सिंह गुड्डू की अगुवाई में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा लिए सैकड़ों लोग इस यात्रा में भारत माता की जय के नारों के साथ सहदेवगंज मोड़ से चलकर नया चौक होते हुए भैरव बाबा स्थान पर समाप्त हुआ। इस दौरान भाजपा नेता राधेश्याम सिंह गुड्डू और महाराजगंज इकाई के सक्रिय कार्यकर्ता विवेक सिंह ने नए चौक पर लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र की प्रतिमा को नमन किया। इस पूरे पदयात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा पुलिस बल के साथ चलते रहे और तिरंगा यात्रा को सकुशल संपन्न होने तक भ्रमणशील रहकर निगरानी करते नजर आए। इस मौके पर पुजारी राजभर, सुनील राज जायसवाल, महाकाल तेज बहादुर सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि देश के सारे लोग इसको एक पर्व की तरह मनाएं, अमृत महोत्सव को एक त्यौहार की तरह मनाएं, जिससे सारे देश में जागरूकता की तरह तिरंगा यात्रा निकले और ये देश का एक आह्वान बन के जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये
आपका तिरंगा यात्रा कितने दिनों तक चलेगा? ये हमारा तिरंगा यात्रा 18 तारीख तक चलेगा लगातार, जो कि चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सारे लोग तरीके से सम्मिलित हो रहे हैं, ये सभी का त्यौहार। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा, इसको लेकर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कार्यक्रम बनाए हैं आप? ये प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान दिया था, प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान दिया था कि इस तिरंगे यात्रा को अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगे के रूप में मनाया जाए। आज राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल अमीर मुबारकपुर में शहाबुद्दीन आजमी के घर पहुंचा और उनके घर वालों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। ज्ञात हो कि शहाबुद्दीन को पिछले 3 अगस्त को ATS ने गिरफ्तार किया है और 9 अगस्त को उन पर कई आरोप लगाए गए हैं, जबकि घर वालों ने बताया कि वो शहाबुद्दीन बेगुनाह है और सीधा साधा नौजवान था जो दिन भर लूम चलाने और दुकान देखने तक ही महदूद था। वो कैसे किसी गलत काम में शामिल हो सकता है और न ही उसके द्वारा कोई ऐसा जुर्म करना बताया गया है। उनके परिवार के लोग यह भी बताया कि लूम के कुछ औजार भी उठा ले गए और इतना डरा धमका दिया गया है कि वह मीडिया के सामने अपनी सच्चाई भी बयान नहीं कर पा रहा है। काउंसिल नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में RUC अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी के पुत्र AMU छात्र संघ के निवर्तमान सचिव हुजैफा आमिर असादी, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष व छात्र संघ पूर्व महामंत्री सिविली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ नूरुल हुदा अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल मुगनी साहब आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सप्ताह हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में 11 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके देश के जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में आज परियोजना निदेशक KK सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह एवं विशेष अतिथि सिद्धार्थ राम सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता द्वारा संयुक्त रूप से राहुल संकृत्यान प्रेक्षा गृह आजमगढ़ में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राहुल प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत दूरदर्शन आकाशवाणी के राष्ट्रीय कलाकार डॉक्टर अंजनी मिश्रा, आजमगढ़ लोक गायन तथा सुगम संगीत एवं गजल के प्रख्यात गायक विनम्र शुक्ला द्वारा लोक गायन एवं कजरी की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष श्रीवास्तव, विशेष अतिथि सिद्धार्थ राम सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता चित्रांश महासभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी मनोज श्रीवास्तव, भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ध्रुव मिश्रा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और गायक राजेश रंजन भी उपस्थित रहे। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हर घर तिरंगा के आह्वान पर विधानसभा तरौलिया में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय सरम प्रकोष्ठ के संयोजक रमाकांत मिश्रा एवं भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्कर मिश्रा के नेतृत्व में तरौलिया के दुर्गा मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो नगर पंचायत के वरन चौक, गोला बब्बर चौक, शिवपूजन चौक, केसरी सिंह चौक होते हुए अतरौलिया स्थित डाक बंगले पर शहीदों के स्थान पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर भाजपा नेताओं द्वारा शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर भारत की जय वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ DJ की राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण किया। रमाकांत मिश्रा ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। यह धरती अंग्रेजों से संघर्ष कर 1942 में पांच लोगों को यहां गोली लगी और एक पांडे जी शहीद हुए। यहां हम वीर जवानों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने आए हैं। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय स्वयं प्रकोष्ठ के संयोजक रमाकांत मिश्रा, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्कर मिश्रा ने क्या कुछ कहा। 1942 में यहाँ पर एक क्रांति हुई थी जिसमें अतरौलिया के कई लोगों को गोली लगा है, जिसकी याद में यहाँ एक स्मारक बना, वो स्मारक आज दीनहीन दशा में है, जहाँ पर आपने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उसके बारे में आप। आजादी के दीवानों ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी निशा होगा। हम चुकी है धरती जहां हम खड़े हैं, यहां अंग्रेजों से संघर्ष करके 1942 में पांच लोगों को गोली लगी थी और स्वर्गीय पांडे जी यहां शहीद हुए थे। आज हम अतरौलिया विधानसभा के सारे हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें हम नमन करने आए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देने आए हैं कि आज़ादी के जो दीवाने जिन्होंने अपनी पत्नियों का सिंदूर उजाड़ा, जिन्होंने अपनी बहनों की कलाई सूनी की, जिन्होंने अपनी बहनों से राखी बंधवाना बंद किया, जिन बेटों ने अपनी माँ की कोंख सूनी की और आजादी के वो दीवाने भारत माता की जय बोलते हुए अंग्रेजों से दो दो हाथ करते हुए शहादत अपने दिए थे। आज का दिन देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में लगातार भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग दल से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके, हर भारतीय
आज मचल के आजादी के आजादी का दीवाना होकर के उन अमर शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है, यहाँ के कण कण में शहीद लोगों की आत्मा बसी है। आज यह नौजवान उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है, लेकिन काश आजादी के बाद जो सरकारें आईं, जिनके हाथ में यहाँ की बागडोर सौंपी गई, यह जो अभी जीर्ण सी स्थिति में जो यह स्थान है, इसको बसपा सरकार में तत्कालीन विधायक ने कुछ पैसा दिया था, लेकिन कमीशन खोरी के कारण न कोई शिलापट लगा, न कोई मूर्ति लगी, केवल बाउंड्री लगी है उसमें घास फूस। हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हमने विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि हम बलराम यादव की आंत से हमने वो 7 एकड़ जमीन निकाली थी, जहां 100 शैया का अस्पताल है, जहां गांव इस इलाके का गरीब से गरीब आदमी दवा इलाज करा रहा है। हम उस जमीन उस अस्पताल को हमने कहा था कि यह राजा बेनी माधव सिंह की धरती है। हमने उनके परिजनों के नाम पे उस अस्पताल का नाम कर दिया। आज आने वाले 2-3-4 दिन में, 1 सप्ताह में प्रदेश सरकार का कोई बड़ा मंत्री, मैं तो आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे मिलकर आग्रह करूंगा कि आप आए, अतरौलिया की धरती ऐतिहासिक धरती है। आपने 100 शैया अस्पताल जो बनवाया है, जो पैसा आपने मुक्त किया था, आज जो अस्पताल बनके तैयार है, वह राजा बेनी माधव सिंह के परिजनों के नाम आपने दिया है, तो उसका उद्घोषणा भी अतरौलिया से होनी चाहिए। मैं आपको आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं कि अगली बार जब अगले 15 अगस्त को हम यहां आएंगे, 17वां वर्ष पूरा कर चुका है, देश पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिस कड़ी में आज भी तिरंगा यात्रा निकाली गई वो कहां से शुरू हुआ, कहां जाके समाप्त हुआ? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को देश से आह्वान किया कि हम लोग अपने वीर शहीदों को याद करें, नमन करें और अपने युवा पीढ़ी को बतावें कि हमारे देश की आज़ादी में उन शहीदों का क्या योगदान रहा, उनका क्या सहयोग रहा, हम उन्हें किस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और उसी क्रम में आज अतरौलिया के इस प्रांगण में अतरौलिया दुर्गा चौक से बब्बर चौक होते हुए शांति चौक पे होते हुए मार्केट का पूरा भ्रमण करके यहाँ डाक बंगले पे आके इस कार्यक्रम का समापन हुआ। जैसे कि तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने सम्मिलित हुए, जिनमें महिलाओं की भी संख्या संतोषजनक भागीदारी में स्थिति थी, युवाओं की भी संख्या भागीदारी थी, आजादी के 75वें वर्ष पर युवाओं के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत आज हम लोग युवाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। आज विश्व युवा राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज के दिन इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके हम युवाओं ने यह दिखाया कि देश की सुरक्षा राष्ट्रीयता के लिए हम युवा एक साथ एक मंच पे एक साथ खड़े हैं। हम युवा देश की आजादी के लिए उस समय हमारा योगदान नहीं रहा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान समय में अगर हमारी देश को वैश्विक स्तर पे कोई नेता लेके जा रहा है तो हम युवा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर में स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस लाइन मिर्जापुर परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर तहसील चौराहा शुक्लहा तिराहा भरुहना चौराहा बरौधा कचार पीली कोठी रोडवेज तिराहा होते हुए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर समाप्त हुआ। इस आयोजन में मिर्जापुर पुलिस व पीएसी के अधिकारी कर्मचारीगण ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मैराथन में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। स्वयं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा समस्त प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए हाफ मैराथन में प्रतिभाग किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज थाना परिसर से होमगार्ड के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा को भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने थाना परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा के दौरान होमगार्ड के जवानों के साथ हाथ में झंडा और बैनर थे तथा राष्ट्रहित के लिए जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे लगाते हुए होमगार्ड के जवानों ने नगर पंचायत का भ्रमण किया। क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने कहा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रयास से देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज पूरे देश में आजादी का जश्न हर घर तिरंगा अभियान चलाकर मनाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोगों को यह प्रेरणा मिल रही है कि आज का भारत सपनों का भारत है। अधिक से अधिक लोग इस अभियान का हिस्सा बने और अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। इस मौके पर थानाध्यक्ष रुद्रभान पांडे, उप निरीक्षक पुलिस कर्मियों के साथ ही समाजसेवी दिनेश मदेसिया आदि लोग उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अमृत महोत्सव निकला, हरी झंडी दिखाएं, इसके बारे में बता दीजिए। आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, पूरा देश
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है। आज देश का हर नौजवान, हर किसान, हर बुद्धिजीवी, देश का हर राष्ट्रभक्त भक्त नागरिक अपने अपने घरों पे 13 से 17 तक राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके अपनी राष्ट्रभक्ति का उद्घोष करेगा। आज पूरा देश आतंकवाद जैसी समस्या से निजात पा रहा है। भारत विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त है। हम अपनी तरफ से होमगार्ड के नौजवानों को बधाई देते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के जो समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया है, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। महीनगर में माध्यमिक विद्यालयों में व सांस्कृतिक विद्यालयों के स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाला। बताते चले कस्बा के स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य समीर सिंह के अलावा महर्षि मंडलेश्वर महादेव विद्यालय रायपुर के प्रधानाचार्य उदय भानगिरी की उपस्थिति में स्कूली बच्चों ने बैनर तले हाथों में तिरंगा झंडा के साथ प्रभात फेरी कर छात्र छात्राओं ने वीर शहीदों को याद किया। इसी क्रम में कांग्रेसियों ने ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बाल परिसर में लगे अशोक स्तंभ का अध्यक्ष होकर तिरंगा यात्रा निकाल कस्बे में भ्रमण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते भारत माता के जयकारों के बीच तहसील मुख्यालय में जनसभा को समापन किया गया। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। भदोही में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज घराव थाना क्षेत्र ज्ञानपुर में से हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक पुलिस तथा पीएसी के कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। घराव थाना क्षेत्र ज्ञानपुर से प्रतियोगिता का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया तथा प्रतियोगिता का समापन पुलिस लाइन ज्ञानपुर में किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें प्रथम 5 प्रतिभागियों क्रमशः प्रथम स्थान आरक्षी जसवंत कुमार 48वीं बटालियन सोनभद्र, द्वितीय स्थान आरक्षी करुणा यादव 48वीं बटालियन सोनभद्र, तृतीय स्थान आरक्षी सुधीर कुमार 48वीं बटालियन सोनभद्र, चतुर्थ स्थान आरक्षी अर्पित यादव थाना गोपीगंज, पांचम स्थान आरक्षी उमा शंकर विश्वकर्मा 48वीं बटालियन सोनभद्र को पुरस्कृत करते हुए सभी प्रतिभागियों को भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा शुभकामनाएं दी गई। चंदौली में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज चंदौली पुलिस द्वारा मंडी समिति में 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें नागरिक पुलिस तथा पीएसी के कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। उक्त प्रतियोगिता में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः आरक्षी अनिल यादव 34वीं बटालियन पीएसी प्रथम स्थान, आरक्षी राम आशीष चौहान 34वीं बटालियन पीएससी द्वितीय स्थान, आरक्षी विजय कुमार वीआईपी सेल चंदौली तृतीय स्थान, आरक्षी नीरज कुमार थानालीनगर चतुर्थ स्थान, आरक्षी धनंजय दुबे 20वीं बटालियन पीएसवी पंचम स्थान को पुरस्कृत करते बधाई दी गई तथा सभी प्रतिभागियों को भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा शुभकामनाएं दी गई। जनपद आजमगढ़ में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी अजय श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में शहीद स्मारक, सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, अंबेडकर पार्क, अंबेडकर जी की मूर्ति की साफ सफाई की गई और स्वच्छता मिशन के तहत जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सफाई कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आज ग्राम पंचायत हासापुर में संचारी रोग को देखते हुए साफ सफाई की गई। मीडिया प्रभारी गुलाब चरोसिया ने बताया कि जनपद के सम्मानित सफाई कर्मचारियों, माता और बहनों अपने अपने घरों में साफ सफाई करें और जिलाध्यक्ष सीपी यादव ने कहा कि हमारे सम्मान साथी अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसी तरह हमेशा करते रहेंगे। रक्षाबंधन के जनपद के अधिकारी कर्मचारी मीडिया कर्मीगण जनपद के सभी सम्मान सफाई कर्मचारी माताओं और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 12 अगस्त 2022 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में
और अम्बे स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, स्मारक पार्क के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। रक्षाबंधन के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया कर्मीगण को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो पंचायती विभाग से तरफ से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। हाँ, अपना परिचय बताइए। सीपी यादव, जिला अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। कहाँ कहाँ कार्यक्रम चल रहा है आपका? आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आर्य जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में दिनांक 11 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा पंचायती राज विभाग के स्तर से झंडारोहण का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें आज दिनांक 12 अगस्त को सभी ग्राम पंचायत में घर घर तिरंगा के संबंध में प्रभात फेरी होगी और ग्राम पंचायत में जो शहीद पार्क बनाए गए हैं उसकी साफ सफाई सुनिश्चित की जानी है पूरे जनपद में। आज उक्त निर्देश के तहत आज ग्राम पंचायत हासापुर में विकास खंड पलनी में साफ सफाई सुनिश्चित की गई और अंबेडकर मूर्ति की साफ सफाई और यहां के परिसर की साफ सफाई सीपी यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चरसिया मीडिया प्रभारी, रमेश चंद्र ब्लॉक अध्यक्ष ने यहां की साफ सफाई सुनिश्चित की। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति की भावना जागृत करने की पहल की गई है। इसी क्रम में आज कोतवाली शहर क्षेत्र के सुखदेव पहलवान स्टेडियम से पुलिस लाइन मैदान तक 5 किलोमीटर का मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। उपरोक्त मैराथन को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें जनपदीय पुलिस के 200 लगभग अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपरोक्त मैराथन में प्रथम स्थान आरक्षी आशीष कुमार बिंद थाना बर्द, द्वितीय स्थान आरक्षी सुरेश कुमार पुलिस लाइन, तृतीय स्थान आरक्षी प्रदीप कुमार यादव तहबरपुर, चतुर्थ स्थान आरक्षी अनिल कुमार गौण कोतवाली, पंचम स्थान आरक्षी आशीष कुमार यादव कप्तानगंज ने प्राप्त किया। विजेताओं को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर द्वारा प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सिबली नेशनल कॉलेज में भारत छोड़ो आंदोलन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्थानीय सिबली नेशनल महाविद्यालय 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के तहत भारत छोड़ो आंदोलन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली एवं संचालन दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बी के सिंह ने किया। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अलाउद्दीन खान ने कहा कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई छोटे बड़े आंदोलन किए गए। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आज़ादी की अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा तथा करो या मरो का नारा दिया। विचार गोष्ठी में प्रोफेसर खालिद, प्रोफेसर आज़ादी इस्लाही, प्रोफेसर साहिन जाफरी, डॉक्टर एहतियामुल हक, कलीम अहमद, डॉक्टर साजिद खान, डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर असद, डॉक्टर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जंग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है और कार्यक्रम हुआ है, इस पर क्या उद्देश्य है? सिबली कॉलेज में ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग आज़ादी की 75वीं जो वर्षगांठ मना रहे हैं और इस मौके पे देशवासी जो है हमारे जो शहीद थे, जो हमारे वक्त के नेता थे, उनकी भावनाओं से वो प्रोत्साहित हों और उसके मूल्य को समझें कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, बहुत बलिदान के बाद आज़ादी मिली है और इसको संयुक्त करके रखना। जंग आज़ादी में आजमगढ़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा, किरदार रहा है, इस पर क्या ख्याल है? जंग आज़ादी में आजमगढ़ के वासियों का बहुत बड़ा रोल रहा है और इसी से आज संगोष्ठी थी जिसमें राजा राजू स्वामी विचार से उसके अपने विचार रहते हैं और इसी कड़ी में 15 अगस्त को भी एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ सिबली कॉलेज में वो किस विषय पर था?
आपको पूरा नाम है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड था, उसी के करीब था। और भारत छोड़ो आंदोलन में जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे भारतवासी जो हमारे नेता थे, उनका योगदान क्या रहा है, और इसी कड़ी में हमने आजमगढ़ के वासियों का भी देखा कि उनका क्या योगदान रहा है उस आज़ादी के भारत छोड़ो आंदोलन में। जंग आज़ादी की बात आती है तो महात्मा गांधी, अशफाकुल्ला खां और जो है भगत सिंह और सारे जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी, शहीद हो गए और गिरफ्तारियाँ भी हुई लोगों की। आज़मगढ़ का भी खास रोल रहा, जैसे अभी आपने जो है प्रोग्राम में शेख रजब अली का नाम लिया, वो कहाँ के रहने वाले थे? शेख रजब अली बहुत थे और जो है उनका जो योगदान था जो 1857 में जो हुआ था आंदोलन उस वक्त का और उसी में उनका तो शहीद हुए थे। तो आज़मगढ़ में जो प्रमुख लोग थे उनमें वो भी थे, अंग्रेजों के लड़ते लड़ते वो जो है यहीं आज़मगढ़ के बगल में गहरा मथापुर उसी में उनको गोली मारी गई थी, नदी में वो गोली मारी गई थी और शहीद हो गए। जनता पार्टी आजमगढ़ नगर मंडल द्वारा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शहर की बड़ा देव से तकिया मोहल्ले तक सभी प्रतिष्ठानों, ठेला व गुमटी पर सभी व्यापारी भाइयों को लगभग 1000 तिरंगा झंडा और डंडा वितरण किया गया। साथ ही सभी भाई व्यापारी भाइयों से निवेदन किया गया कि सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों पर और अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा अवश्य लगाएँ और देश के 75वीं स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा, राजन उपाध्याय, महामंत्री अमन गर्ग, नगर मंत्री शेखर लाल श्रीवास्तव, शैलेंद्र मोहन शर्मा, मुंशी निषाद, संतोष चौहान, प्रदीप अग्रवाल, टीपी तिवारी, सलील गर्ग सहित मंडल के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी बताएं आज किस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों को? आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हम लोग बड़ा देव से लेके और पूरा मुकेरीगंज तक सभी प्रतिष्ठानों पे झंडा और डंडा का वितरण कर रहे हैं और सभी प्रतिष्ठानों पे दुकानदार भाइयों से ये निवेदन किया जा रहा है कि सभी लोग अपनी दुकानों पर तिरंगा झंडा अवश्य लगावें ताकि हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है ये अभियान हमारा सफल हो और अपने जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं सबके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी।